नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहिन में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु एस्ट्रोनूमोलॉजी एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं और हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसको जोड़ा जाता है सूतक और पातक के साथ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इसका अर्थ अभी तक नहीं पता है। चलिए हम आचार्य कमल नंदलाल जी से इसके बारे में बात करते हैं। नेहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूतक पातक जीवन का हिस्सा है। जन्म मरण दो ऐसी गतिविधियां हैं और तीसरी ग्रहण जी एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंदर हम सूतक और पातकों के क्रॉस आते हैं जी। शब्दों को सुनिएगा और शब्दों को समझिएगा। सूतक मतलब जब सुत की प्राप्ति हो जाए जी। बच्चे का जब जन्म होता है तब सूतक लगते हैं जी। दूसरा सूतक तब लगता है जब ग्रहण हो जाता है और मोक्ष होता है जी। ग्रहण क्या है? एक तरीके की बाधा है। बच्चा भी बाधा लेकर ही पैदा होता है मां के कोख से जी। तो वो जो प्रसव पीड़ा होती है जिसके कारण बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है जी। आपने देखा होगा स्त्री को कितना कष्ट होता है और स्त्री की योनि पर भी इन्फेक्शन को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और उस समय में स्त्री में से जो फ्लूइड निकलता है जी, जो रक्तस्राव होता है उसी को ही सूतक कहते हैं जी। पातक क्या होता है? पातक होता है जब परिवार में हमारे कुटुंब में अगर किसी का देहांत हो जाता है जी, तो पातक लगते हैं। अब उस पातक के दिनों के अंदर क्या होता है? अग्नि संस्कार होता है जी। उस अग्नि संस्कार में जो हमारा अंतिम संस्कार है उस अंतिम संस्कार के अंदर बहुत सारे जीव जो लकड़ी में होते हैं जी वो जलते हैं। बहुत सारे जीव जो डेड बॉडी के अंदर होते हैं जी, जो डेड बॉडी होने के बाद में बॉडी के अंदर पैदा होने लगते हैं उनकी भी डेथ होती है जलने के कारण जी। तो तब जो है तब लगता है हमारा पातक। तो पातक वाली स्थिति है जब घर में किसी का देहांत हो जाए जी। और सूतक वो स्थिति है जब घर में किसी का जन्म हो जाए। सूतक एक कारण से और भी लगता है, जब ग्रहण काल होता है जी, तब भी सूतक लगता है जी। ग्रहण में भी बोला जाता है कि इस दिन ग्रहण लगना है तो इस टाइम ग्रहण का सूतक जी, ग्रहण का सूतक लगेगा जी जी। तो पंडित जी, अब सूतक और पातक की अगर हम बात करें तो इसके दिनों का कोई हिसाब होता है? बिल्कुल। देखिए, अब ये मानने योग्य बातें हैं और हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं वो वाली बात है। अमूमन पहले दिनों के अंदर, पुराने दिनों के अंदर 43 दिन का 40 होता था इन द केस ऑफ सूतक, और पातकों के अंदर कई जगह 12 दिन का, कई जगह 13 दिन का और कई जगह पूरे साल का पातक होता था जी, जिसे हम 12 मासिक बोलते हैं जी। अब जैसे कई ऐसी जगह होती हैं आज भी, जैसे हमारे परिवारों में ऐसा है कि पूरे एक साल तक हम विवाह कोई परिवार में नहीं करते जी, शुभ कार्य करना हाँ, पूरे साल में दीपावली होली कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता, पहला पर्व जो नहीं, पूरे साल भर कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता है उस वाली स्थिति के अंदर। लेकिन आजकल ये परिवारों में होना कम हो गया है। आजकल लोग ये मान लेते हैं कि 12 दिन के अंदर, कई लोग तो आजकल 12 भी नहीं करते, चौथे पर ही सब कुछ निपटा देते हैं। तो ये मानने योग्य वाली बातें हैं जी। देखिए, वो एक ऐसी स्थिति है कि जब आपके घर का पितर जो गुजर चुका है वो प्रेत बनकर आपके यहाँ पर विद्यमान है जी, और वो एक साल तक आपसे मांगता है कि आप उसके लिए शोक मनाएं, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे साथ में आजीवन रहा है उसके चले जाने पर जो क्षति हमें हुई है वो कितनी बड़ी क्षति है कि हम क्या एक साल तक भी ऐसी स्थिति नहीं रख सकते कि हम कोई पर्व ना मनाएं, दीपावली पे पटाखे ना जलाएं। पूजाएं जरूर होती हैं, पूजाओं में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुशियां नहीं मनाई जाती हैं जी। वही पंडित जी, कहा जाता है कि सूतक और पातक में मंदिरों में जाना या किसी भी धार्मिक स्थान में जाना वर्जित होता है, ऐसा क्यों? देखिए, सूतक और पातक की जो स्थिति है मैं उसमें बता देता हूँ। हमारे अंदर अशुद्धि है जी। सूतक और पातक एक तरह की अशुद्धि है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो पातक मतलब महापताका केतु उस समय एक्टिवेट हो जाता है और उस समय पर 12 दिन तक मिनिमम वो ऐसी स्थिति रहती है कि वो जो प्रेत है वो हमारे घर में ही हमारे चारों ओर विद्यमान है जब तक कि हम उसकी अंत्येष्टि नहीं कर देते, जब तक कि हम उसकी अस्थियों को विसर्जन नहीं कर देते, जब तक कि हमारे घर में गंगा प्रसादी नहीं हो जाती है, गंगा जल का छिड़काव होके जो ब्राह्मण भोज है वो नहीं हो जाता तब तक अशुद्धि नहीं होती है। आपने भी देखा होगा जी कि हमारे यहाँ गरुड़ का पाठ होता है मृत्यु उपरांत जी,
और उसके बाद में 12वें दिन जी, 10वें दिन गंगा प्रसादी यानी कि अस्थि विसर्जन होता है और या उससे पहले हो जाता है जी। उसके बाद में हम बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं जिसे हम गंगा प्रसादी कहते हैं और गंगा जी को घर लेके आते हैं जी। 12वें दिन उस गंगा जल का छिड़काव करके हम हवन कराते हैं नवग्रह हवन और गरुड़ का संपूर्ण पाठ होता है संपूर्ण, और फिर ब्राह्मण भोज करवा के हम घर के सभी लोग जो होते हैं और स्पेशली जो चार कांधी होते हैं आपने देखा होगा वो इकट्ठे बैठ करके भोजन करवाया जाता है उनको और सब परिवार वो कुटुंब वहाँ से अपने आगे काम बढ़ाता है जी। कई लोग पूरे साल भर इसे विद्यमान रखते हैं। अमूमन हमारे जो ब्राह्मण परिवार हैं उनके अंदर पूरे साल भर कोई पर्व नहीं मनाया जाता जी। लेकिन 12वें दिन बाद आप मंदिर ज़रूर जा सकते हैं, आपके घर का जो पूजा स्थल है उसके अंदर दिया बत्ती होना शुरू हो जाती है और 12वें दिन पश्चात में आपके घर की रसोई चालू हो जाती है जी। अदरवाइज तीसरे दिन तक जब तक अंत्येष्टि करके उन जो कलश जो आपका अस्थि कलश है उनको मंदिर में पीपल के नीचे लटकाया जाता है, एक तरीका है उसे, या मंदिर में उसे रखा जाता है किसी एक अलग जगह पे, जब तक वो ऐसा नहीं हो जाता तब तक घर की रसोई भी प्रारंभ नहीं होती है और कायदे से घर की रसोई जो है वो 12वें दिन प्रारंभ होती है। तो पंडित जी इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो कितने दिन का जो सूतक है वो किया जाता है? देखिए सूतक मैं फिर से दोहरा दूं, सूतक जन्म के समय और पातक जो है वो मृत्यु काल के समय। सूतक जो है बच्चों के जन्म पे कई जगह 43 दिन का है जी, कई जगह यही चीज 27 दिन की है। 27वें दिन जिस दिन नक्षत्र बच्चे का वापस पैदा होता है जी, जब वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है या किसी हार्ड नक्षत्र में पैदा होता है, और कई लोगों के यहाँ पे 6ठे दिन हो जाता है जी। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण कि 40 दिन तक जिस माता ने जन्म दिया है बच्चे को वो रक्तस्राव करती है अपनी योनि से। नॉर्मली मासिक धर्म के अंदर तो 4 दिन का समय होता है, 5 दिन का समय होता है, लेकिन इसमें पूरा 40 दिन तक जब तक उसका नेक्स्ट स्नान नहीं हो जाता तब तक पातक काल रहता है। तो पंडित जी सूतक और पातक के समय क्या क्या सावधानी हमें जो बरतनी चाहिए वो हमें दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए सूतक और पातक दोनों के दौरान पे कोई भी शुभ काम करना मना है। नंबर एक, इस समय पर सर्वश्रेष्ठ है दान करना, लेकिन दान किनको? इस केस में ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता और इस जगहों पर दान दिया जाता है जो भिक्षु हैं या जो सन्यासी वर्ग हैं जो किसी भी तरीके का राग नहीं मानते, बैरागी जिसे हम कहते हैं, उनको दान दिया जाता है। लेकिन ये बहुत विपत्ति का समय होता है क्योंकि आपके सपोज कीजिए परिवार के अंदर अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका प्रेत और उसके देखी देखी आसपास की और बुरी आत्माएं भी आप पर आक्रमण करती हैं आपके घर पर, तो इन चीज़ों को सबसे बेहतर करने के लिए आपके घर की जो तुलसी होती है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है और तुलसी का काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने भी देखा होगा जब अंतिम यात्रा होती है तो अर्थी के साथ में तुलसी की सूखी तुलसी ज़रूर लेके जाते हैं जी। जड़ से उखड़ी हुई सूखी तुलसी। इसी समय पर तुलसी के निमित्त आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात, इस समय पर नारियल बच्चों पे से वार के और अपने ऐसे व्यक्तियों के जो घर के वार के जो कमज़ोर हैं जिनका बल कम है उनके ऊपर से वार कर उसे जल प्रवाह किया जाएगा तो आपके ऊपर पातक का दोष नहीं लगेगा जी। और दूसरी बात ये, जब बच्चा हुआ है उस केस में भी स्पेशली माता पिता को अपने सर पे से नारियल वार करके वो जल प्रवाह करना चाहिए या किसी बैरागी को दान दे देना चाहिए सन्यासी को। इसकी वजह से जो आपके ऊपर सूतक का दोष आ रहा है या पातक का दोष आ रहा है वो नहीं रहता। तो पंडित जी अगर सूतक पातक लग जाए उसका हमें कोई नुकसान ना हो इसके लिए कोई टिप? देखिए इसका सबसे बेहतर तरीका है कि पंच तत्वों के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देना जी। जैसे पक्षियों को सतनाजा डालें जी, गाय को और कुत्ते को रोटी डालें, चींटियों को आटा डालें, और जलचर यानी कि मछलियाँ या जो हैंडपम्प के इधर उधर के जो कीड़े होते हैं जो जल में जीने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए भोजन आदि डालते हैं तो हमारा पंचतत्व विलीन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी से हम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी और Facebook पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।